अगर आपको पुराने मकान में गृह प्रवेश करना है तो आपको किस महीने में गृह प्रवेश करना चाहिए, किस तिथि, किस नक्षत्र और किस वार में करना चाहिए और कब गृह प्रवेश करने से बचना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, जैसा कि शुरुआत में ही आपने बोला कि कई प्रकार के गृह प्रवेश हैं, अब ये पुराना मकान है जिसमें गृह प्रवेश करना है। देखिए, पुराने मकान का रेनोवेशन कराया हो और आप कई दिनों से उसमें नहीं रह रहे हैं तो उसका गृह प्रवेश करने का मुहूर्त नए मकान के गृह प्रवेश से अलग होता है। पुराने मकान में गृह प्रवेश करने का शुभ मास है कार्तिक, मार्गशीर्ष, सावन, माघ, फागुन, बैसाख, जेठ। अब इसमें सावन जुड़ गया, चातुर्मास का सावन जो है इसमें जुड़ गया, तो इसमें हैरान मत होइएगा क्यों सावन जुड़ गया, पिछले एक पुराना घर है ना तो सावन जुड़ गया। पुराना मकान में गृह प्रवेश करना है तो अमावस्या, पूर्णिमा, भद्रा चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्थी तिथि को छोड़कर किसी भी तिथि में आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। पुराने मकान में गृह प्रवेश करना है तो रविवार, मंगलवार का दिन छोड़कर किसी और दिन का चुनाव कर सकते हैं। पुराने मकान में गृह प्रवेश करने का शुभ नक्षत्र मृगशिरा, पुष्य। अब देखिए, इसमें पुष्य जुड़ गया, नए गृह प्रवेश में पुष्य नहीं जुड़ा था। चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़, उत्तरा भाद्रपद और धनिष्ठा, सद्भिषा और रेवती, ये जुड़ गया। सपूर्व द्वांधव और जीर्ण गृह प्रवेश में विशेष दिनों पर दक्षिणायन में भी किए जा सकते हैं। दक्षिणायन क्या होता है, जब मिथुन राशि से लेकर के और धनु राशि तक सूर्य रहता है तो इसको दक्षिणायन कहते हैं, और जब मकर राशि से और मिथुन राशि तक सूर्य रहता है तो इसको उत्तरायण कहते हैं। उत्तरायण, दक्षिणायन, सूर्य का उत्तर गोल में रहना, दक्षिण गोल में रहना उत्तरायण दक्षिणायन है। अपूर्व गृह प्रवेश आश्विन मास में विजयदशमी के दिन भी किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। अब तुला राशि की जल्दी से